हेलो एवरीवन, मेरे गिरी लाइव शेयरिंग में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो कुछ मैं इसमें फ्लावर दिखाने वाली हूँ और कुछ एक नई चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसने हमारे गार्डन में घर बनाया है अपने, तो मैं उस पर आज आपको वीडियो देने वाली हूँ। अब देखिए, उस दिन मैं आपको दिखाई रही थी, ये हर श्रृंगार का प्लांट है। तो इसके मैंने पहले तो बड़े बड़े पत्ते थे वो यहाँ से निकाल दिए थे, मतलब ब्रांच निकाल दी थी। तो ये देखो, पहले दो आई और फिर इसकी बगल में एक और आई और फिर इसके बाद देखो इसी में जो सबसे बड़ी पत्ती थी, तो इसमें देखो ये चिड़िया ने अपना घर बनाया। और कैसे बनाया ये देखो, सोच भी नहीं सकते। पता नहीं इसने क्या क्या लगाया एक बड़ी सी पत्ती में, बहुत बड़ी पत्ती है ये हर श्रृंगार की। तो इसमें इसने देखो ऊपर से बिल्कुल ये मुड़ी हुई है और नीचे इसके घर बनाया जिससे पानी भी नहीं जाएगा। तो ये देखो कितने खूबसूरत ढंग से बनाया है इसने। और इसमें इसके दो अंडे भी रखे हैं, मैंने धीरे से देखे थे, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रही, बस इसको पानी दे देती हूँ प्लांट को और इसको आराम से यहाँ खड़ा रहता है। चिड़िया आती है, कभी कभी बिल्ली आती है तो चिड़िया शोर मचाती है, मैं आती भाग के तो मैं उसको भगा देती हूँ, क्योंकि चिड़िया को भी डर रहता कि कहीं मेरे अंडे इससे निकाल ना ले कोई। तो मैं यहाँ किसी को आने नहीं देती, ना बंदर को और किसी को भी यहाँ आने नहीं देती। तो ये देखिए, इन्होंने इसमें हर श्रृंगार के प्लांट में ये एक घर बनाया प्यारा सा। और बारिश आती है जैसे, तो चिड़िया तब भी बोलती है, तो मैं फट से आती हूँ। मैं इसमें कभी कभी जब तेज़ बारिश होती है तो इस पर छाता लगा देती हूँ ये यहाँ पर तार पर, तो ये बचे रहे जिससे। वैसे तो इन्होंने ऐसे बनाया चिड़िया ने कि यहाँ पे बारिश भी नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा ढका हुआ है इस, ये देखो ये पूरा पत्ती से ढका हुआ है और नीचे घर है लटका हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर घर बनाया, देखो आदमी भी नहीं सोच सकता ऐसे। और ये इसने कम बस ज़्यादा दिन में नहीं, 4-5 दिन में ही घर बना दिया अपना पूरा। और देखिए ये टोपाई भी बनाई थी जो मैंने, तो ये अब खिल के आई, बड़ी खूबसूरत सी लगने लगी है। तो अब मैं दिखा रही हूँ, तो पहले मैंने जो दिखाई थी सभी ने बहुत पसंद की थी। तो ये देखो अब इसमें खूबसूरत फूल भी खिलने लगे, ये देखो कितने प्यारे प्यारे, और ये भरे हुए हैं, देखो ब्लू कलर है और ये इसमें देखो पर्पल आया, कितना खूबसूरत सा है, बहुत ही सुंदर है इसमें। तो ये अब आने लगे हैं ये कई सारे इसमें, ये देखो, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है अब, और भी अच्छी लग रही है पहले से भी, और भी मैं बनाने वाली हूँ कुछ। और देखिए ये पर्पल ओनियन कलर का, ये अनियन कलर का और अंदर से ये मेहरूम है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये भी हिबिस्कस का ये भरा हुआ, ये देसी वाला, और इस पर भी आता है कुछ पर्पल सा, तो मैं आपको, और इस पर भी देखो ये वाला हिबिस्कस का ये भरा हुआ, तो इस पर भी बने हुए हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है। और गुलाब पे भी देखो कितना लाल सा के पास लगे हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये लाल सा में ही लगे हुए हैं ये गुलाब के फूल, ये गुलाबी गुलाबी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर भी देखो गुलाब के फूल इधर भी हैं मेरे, ये रेड वाले, तो ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी गुच्छों में आजकल खिल रहे हैं, तो ये भी अच्छे लगते हैं गुलाब के, बहुत सारे। एक वाइट कलर का है, और ये देखिए ये आलमंडा के कितने खूबसूरत है, ये बहुत ही प्यारे से हैं, और कलियाँ भी इनकी बहुत प्यारी सी लगती हैं देखने में। और ये दो कलर के हैं, एक ये है इधर, ये भी खूबसूरत सा, ये देखो कली ये वड भी खिलने वाली है। अलमंडा में भी देखो कितने सारे आए हैं रेड कलर के, ये कितनी सारी कलियाँ बर्ड्स हैं इसमें, तो ये भी देखो कितने सारे फ्लावर देता है जब से आया हुआ है, तो काफ़ी फूल खिले रहते हैं। और दो इसके मैंने निकाल दिए, ये कम से कम 3-4 दिन प्लांट पर टिके रहते हैं ये इस तरह के फ्लावर। और ये देखिए ये बालसम का प्लांट है, तो इस पर काफ़ी कलियाँ भी हैं और सीड्स भी काफ़ी लग रहे हैं इस पर। तो ये देखिए ये भरा हुआ है और इस पर दो कलर के आते हैं, दो क्या 3 कलर के आते हैं, कितना सुंदर गुलाब जैसा खिलता है, बहुत ही प्यारा लगता है। एक ये कलर है और एक इस पर ये रेड कलर है, ये देखो कितना प्यारा सा है, ये देखो ये डबल सीड में लग रहा है कुछ। और एक दिन तो इस पर एक रेड, आधा रेड और आधा ये वाला कलर, ये वाला पिंक वाला आया था इस पर, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस पर भी काफ़ी सुंदर फूल आते हैं, अगर खरीदना चाहो इसमें तो ये बालसम का खरीद सकते हो, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। और इधर देखिए ये मेरे फूल वाले प्लांट रखे हैं, और देखो मधुमक्खी
कैसे खूबसूरत लग रही है, इसमें बैठ रही है, उड़ रही है, बार बार देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो ये ग्रैंडी फ्लोरा है बड़ा वाला, तो बार बार उसमें ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। और गुल दोपहरी पे देखो ये बड़े वाले हैं, ये मिक्स है, देखो इसमें ये कलर भी है और मजेंटा, और ये डबल शेड में है देखो पिंक का, और ये बिल्कुल पिंक और थोड़ा सा कलर डबल शेड, और ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये अलग अलग हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इधर एक पीला मॉस रोज भी देखो शाम को अभी खिला हुआ है, तो इसकी मैंने कटिंग लगा ली थी इस गमले में, तो ये भी चल रही है, तो मैं इसलिए कटिंग लगा लेती हूँ पहले जब प्लांट आती, तो ये मेरे बच जाते हैं। वो तो कई सारे मॉस रोज तो मेरी बारिश से ख़राब हुए, और इसमें देखो ये चल रहे हैं। और देखिए कोलियस पे तो पता नहीं कहाँ से इतना रूप रंग आ गया है इन पे, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं, इधर रखे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो एक सिंगोनियम का रखा है ऊपर, और एक ये कोलियस के यहाँ पे तीन चार रखे हुए मैंने, तो ये देखो ये मेहरूम वाला ये कितना सुंदर है, और ये वाला भी कितना सुंदर है, और ये देखो अलग कलर का है ये भी कितना सुंदर, और ये सब अलग अलग रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस समय ये। इधर भी लिलीज भी बनी हुई है, देखो कितना खूबसूरत फूल आता है, ये कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये थाईलैंड लिली है, तो इसमें फूल बहुत ही सुंदर है, और ये जैसी बारिश शुरुआत हुई आजकल भी, तो ये फिर दोबारा से इस पर फूल आने लगे। और ये भी देखिए ये भी थ्रेलिस, गोल्डन थ्रेलिस पे भी फूल आ रहे हैं, इस पर तो कभी बंद ही नहीं होते हैं। वाइट कलर के गुलाब देखो कितने सारे आए हुए हैं खूबसूरत से, ये देखो, और यहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाइट कलर का। और शाम है, शाम को मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, तो इसमें काफ़ी सारे बने हुए हैं, और कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं, ये देखो कली भी हैं, तो कितने सारे इस पर फूल खिले हुए हैं। और गुलाब पे भी देखो कितना लाल सा के पास लगे हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये लाल सा में ही लगे हुए हैं ये गुलाब के फूल, ये गुलाबी गुलाबी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर भी देखो गुलाब के फूल इधर भी हैं मेरे, ये रेड वाले, तो ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी गुच्छों में आजकल खिल रहे हैं, तो ये भी अच्छे लगते हैं गुलाब के, बहुत सारे, एक वाइट कलर का है। और ट्रम्पेट में मेरे कम से कम मेरे पास 5 कलर है, और सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही कलर खिल रहा है, और कुछ में बड्स आ रखी है, ये देखो ये भी खूब सुंदर कलर लगता है। और हमारे गेंदा भी कोई कम नहीं है, ये भी खिल रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे प्यारे, बारिश पड़ रही है कैमरे पे इसलिए मैं बच के पीछे हो जाती हूँ। देखिए बीच में तो मोगरा पे थोड़े कम हो गए थे फूल, और इस पे फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, कितना खूबसूरत सा वाइट कलर का फूल आया है, तो ये भी बहुत सुंदर फूल होता है खुशबू वाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।